हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ मैं बता रही हूँ आपको सांझी बनाना, बहुत ही सिंपल तरीके से सांझी में बता रही हूँ, आप घर पर भी बना सकते हैं। किसी भी टाइल या जो पेपर बोर्ड होता है आप उस पर पीछे भी बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी मानी जाती है। आप इस पे थोड़ा सा डेकोरेशन जिस पे भी बनाए आप बाहर से डेकोरेशन कर देना, सजा देना, लाइटिंग वगैरह लगा देना, बहुत प्यारी लगेगी। और आइडियाज मैंने दे दिया है और इस तरह से आपको सांझी बनानी है मिट्टी की, बहुत अजीब तरीके से बन जाती है। कहते हैं कि घर की सांझी लगाने से बहुत फायदा है, क्योंकि क्या करते हैं लोग, सांझी खरीदते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं और कहीं भी डाल देते हैं, उन्हें सिरा देते हैं कहीं भी, तो वो बहुत ज्यादा गलत माना जाता है, जिससे हमें पाप चढ़ता है। तो अपने घर की सांझी बनाइए और अपने घर पर ही सिराइए, इससे बहुत अच्छा माना जाता है, आपके घर माँ की कृपा रहेगी। बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, ऐसे थोड़ी थोड़ी आप लेके, जैसे कि आप गोवर्धन पे भी बनाते होंगे, इस तरह से आप शेप देती रहिए और इस तरह से आइडियाज मैं दे रही हूँ आपको, इस तरह से आपको बनानी है। बहुत इजी तरीका है, आप घर में आराम से बना सकते हैं। मिट्टी के ही आप गहने बना दीजिए और अगर ये जैसे कि ये सूख जाए, तो सूख जाने के बाद आपको क्या करना है, आप कलर वाले पेपर मंगा लीजिए, दो, एक रेड मंगा लीजिए, एक ग्रीन मंगा लीजिए। रेड वाली की आपको क्या करना है, आप चुन्नट डाल के उसमें, और वो बना सकते हैं लहंगा, लहंगा बना के उसमें थोड़ी सी फ्रिल लगा दीजिए, गोल्डन पेपर लगा दीजिए नीचे, तो और उसे गोल्डन पे, ये मैं आप सूरज बना रही हूँ, और गोल्डन लगा दीजिए बेल सी, और उस तरह से आप इसे पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए कमर पे, और तगड़ी बना दीजिए इस तरह से गोल्डन पेपर की, और ब्लाउज बना दीजिए कटिंग करके ग्रीन कलर का, चुन्नी बना दीजिए ग्रीन और रेड मिला के, कागज की बहुत अच्छी लगती हैं और आराम से बन जाती हैं। जब मेरी ये सूख जाएंगी सांझी, तो मैं आपको अपना डेकोरेट करी हुई सांझी जरूर दिखाऊंगी। आप देखिए, ये सांझी का मैं भाई बना रही हूँ। कहते हैं कि सांझी के साथ सांझी खाली नहीं बनाई जाती, सांझी का भाई जरूरी होता है बनाना। तो मैंने एक स्टार की शेप बनाई है, नॉर्मली एक स्टार की शेप, और चेहरा थोड़ा सा मोटा रख दिया है, गोल कर दिया है, तो वो सांझी का भाई हो गया है। और इस तरह साइज बना दीजिए, नोज बना दीजिए, माउथ बना दीजिए सांझी के भाई का। बहुत इजी तरीके से मैंने हर चीज बताई है जो आप बना सकते हैं। कैप बनाना चाहे सांझी के भाई की कैप बना सकते हैं, पगड़ी बनाना चाहे पगड़ी बना दीजिए, और बहुत इजी तरीके से। सांझी मैया के गहने भी मैंने मिट्टी के ही बनाए हैं, और तगड़ी बनाई है मैंने, गले का सेट बनाया है, चुन्नी है इधर जो जा रही है साइड में, ये चुन्नी बनाई है, मांग टीका बनाया है। आपको इसी तरीके से आपको अपनी सांझी बनानी है, कड़े बनाए हैं, पायल, हर चीज़ आपको मिट्टी की बना दीजिए आप, बहुत अच्छी रहती है। और सबसे बढ़िया बात है, आप कहते हैं ना, अपने हाथ की अगर हम सांझी बनाते हैं तो हमें भी प्रसन्नता मिलती है कि हमने माँ को बनाया है, और बहुत ईजी तरीके से बन जाएगी, छुटेगी भी नहीं। आप थोड़ी सी मिट्टी गीली रख के बनाइए, बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, 5 या 7 जो भी आप तारे बनाना चाहे बना सकते हैं। इस तरह से आप बिंदी बिंदी लगा के डेकोरेट भी कर सकते हैं, अगर आप वो नहीं लगाना चाह रहे हैं, कागज के कपड़े नहीं बनाना चाह रहे हैं, नहीं तो आप कपड़े के भी कपड़े बना के पेस्ट करके चिपका सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी तरीके से सांझी तैयार हो जाती है घर में, और सबसे अच्छी बात है कि हमारी सांझी इधर उधर गिरी हुई नहीं डोलती, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि सांझी की पूजा करने के बाद कहीं पेड़ों पे, कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं 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 मंदिर में ऐसी छोड़ जाते हैं सांझी को, उससे पाप बहुत ज़्यादा चढ़ता है। तो आप इसी तरीके से मिट्टी में घर की सांझी बनाइए और पूजा करिए। कहते हैं कि जब भी आप सांझी बनाएं, माँ का जरूर आह्वान करके बनाएं कि हमारी माँ इसी घर है। तो वीडियो क्योंकि लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, जय सांझी माँ जरूर लिखिए। थैंक यू।